मुझे जिंदा चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फिल्मी तड़का पर। दोस्तों आज मैं फिर लेकर आई हूँ साउथ की टॉप 5 बेहतरीन मूवीज जो रिसेंटली हिंदी में डब होकर यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी हैं और जिनका लिंक्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, और विदाउट एनी स्पॉइलर एक हल्का फुल्का आइडिया प्रोवाइड भी कर दूंगी। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस काउंटडाउन। नंबर 5 पर है 2018 में रिलीज ड्रामा रोमांस मूवी विंथेला एनी विंथेलो, जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 4/5 स्टार की रेटिंग दी गई है। ये तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जिसे हिंदी में डाई हार्ड खिलाड़ी नाम से डब किया गया है। मूवी में लीड रोल निभाते हुए नजर आई है नंदू, सौम्य वेणुगोपाल, पूजा रामचंद्रन के साथ साथ और भी कई स्टार। बात करें स्टोरी की तो स्टोरी में विष्णु एक पोलाइट लड़का है जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, बट उस लड़की के पिता को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसी बीच विष्णु थारा नाम की एक लड़की से मिलता है जो काफी प्रॉब्लम्स में थी, और विष्णु उसे उन प्रॉब्लम्स से बाहर निकालने के चक्कर में खुद ही बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। तो अब विष्णु कैसे सभी प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा और उसकी लव स्टोरी का क्या होगा, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। कहानी काफी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग है, और अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया है तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर 4 पर है 2016 में रिलीज ड्रामा रोमांस मूवी ब्रह्मोत्सवम, जिसे IMDb की तरफ से 4.3/10 की रेटिंग दी गई है और 67% गूगल यूजर ने इसे लाइक भी किया है। ये तेलुगु लैंग्वेज मूवी में लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगे महेश बाबू, काजल अग्रवाल, समंता के साथ साथ और भी के स्टार। बात करें स्टोरी की तो स्टोरी में एक प्रतिष्ठित फैमिली होती है जहां एक आदमी उस फैमिली में अपनी जगह मजबूत करने के लिए अपनी बेटी की शादी उस फैमिली के एक लड़के से करवाना चाहता है। पर कहानी इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वो लड़का ऑलरेडी किसी से प्यार करता है। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी में रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा सब कुछ है, और अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर 3 पर है 2013 में रिलीज एक्शन रोमांटिक मूवी आदु मगादरा बुजी, जिसे IMDb की तरफ से 5.8/10 की रेटिंग दी गई है और 87% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी जिसे हिंदी में जबरदस्त आशिक 2 नाम से डब किया गया है। मूवी में लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगे अश्मिता सूद, सुधीर बाबू, पूनम कौर के साथ साथ और भी कई स्टार। बात करें स्टोरी की तो स्टोरी में सिद्धू एक शरारती लड़का है जिसे इंदू नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन इंदू चेरी की बहन है जो अपनी बहन को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है। दूसरी तरफ चेरी भी एक खतरनाक आदमी बूजी उर्फ शंकर की भाभी अंजलि से प्यार करता है, और अब इन लोगों की कहानी आगे कैसे चलती है ये सच में देखने लायक है। ये सबको जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी फुल एंटरटेनिंग है और देखने लायक है, और अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर 2 पर है 2015 में रिलीज हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी युगान, जिसे IMDb की तरफ से 6.7/10 की रेटिंग दी गई है। ये एक तमिल लैंग्वेज मूवी जिसे हिंदी में रेडी टू डाई नाम से डब किया गया है। मूवी में लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगे साक्षी अग्रवाल, यशमित, प्रदीप बालाजी के साथ साथ और भी कई स्टार। बात करें स्टोरी की तो स्टोरी में विनय, डेविड, आमिर, राहुल और मनोज दोस्त हैं, लेकिन बहुत ही जल्द उन्हें उनके आसपास कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस होने लगती है, और उन दोस्तों में से एक एक करके सबकी हत्याएं हो जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट इन मर्डर्स की जांच शुरू करती है और कुछ ऐसा पता चलता है कि पूरी कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। तो क्या इन हत्याओं के पीछे कोई भूत प्रेत का साया है या कहानी कुछ और ही है, ये तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। मूवी में सस्पेंस, थ्रिल सब कुछ है, और साथ ही हॉरर एलिमेंट्स भी काफी अच्छे से दिखाए गए हैं, और अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नंबर 1 पर है 2019 में रिलीज हाई एक्शन थ्रिलर मूवी चाणक्य, जिसे IMDb की तरफ से 5.4/10 की रेटिंग दी गई और 92% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी जिसे हिंदी में भी सेम नाम से ही डब किया गया है। मूवी में लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगे मैरिन पिज़ादा, गोपीचंद, जरीन खान के साथ साथ और भी कई स्टार। बात करें स्टोरी की तो स्टोरी में अर्जुन जो दिल्ली का एक रॉ मार्शल है जिसके पास आतंकवादियों को पकड़ने के लिए स्किल और एक्सपीरियंस दोनों ही है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो एक इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट इब्राहिम कुरैशी को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके बाद कहानी काफी ज्यादा थ्रिलिंग हो जाती है। तो अब आगे क्या होता है जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी कमाल की है और एक मस्ट वॉच मूवी है, और इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने इंग्लिश मूवी देख ली है तो अपना रिव्यू शेयर करना ना भूले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।